सो गाइस हम हैं एक बफे में और यहाँ पर मिलने वाला ये ढेर सारा खाना केवल और केवल 149 रुपए में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज था संडे और हम सोचा कुछ शाम को कुछ खा पी के आते हैं। फिर क्या, फिर हम आ गए हैं चॉइस बफे में जो कि है इस्माइलगंज में। इस्माइलगंज में कहाँ पर ये लोकेशन, में अंदर चल के बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो चॉइस बफेट में आने के बाद हमें मिले ये भैया। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस कुमार यादव है। प्रिंस कुमार यादव जी। तो यहाँ पर जो आपने बफे बोला हुआ है, ये अभी कितने टाइम हुआ इसको खुले? ये 4 मार्च को इसकी ओपनिंग हुई थी, जिसमें हमने 10 तारीख तक का 33% का ऑफ दिया था। अभी ये हमारी 149 की प्राइस अभी स्टार्ट है। इसमें भी हम थोड़े से डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर कोई गैदरिंग आ रही है, किटी पार्टीज है या फिर बर्थडे पार्टीज है तो उसके लिए। तो बाकी जो कुछ भी डिटेल होगी वो आप चेकआउट कर लीजिएगा, और ज़्यादा डिटेल के लिए सर का नंबर हम मेंशन हो रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेके आप जल्दी से यहाँ विजिट कर सकते हैं। सो चलिए अब आगे की बात करते हैं। और यहाँ का खाना सुना है टेस्टी होता है, तो बिल्कुल सर, अभी तक हमने इतने दिनों में लगभग 120 लोगों को सर्विस करी हुई है खाना, जहाँ से हमें एक भी बुरी फीडबैक नहीं मिली है। क्या बात, लोग मतलब एक बार खा के जा रहे हैं, वो रिपीटेड ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे पास नए कस्टमर जो अप्रोच कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं, बट जो रिपीटेड हैं वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं बता रहा हूँ, 15 लोग अगर डेली के आ रहे हैं तो 10 से 12 लोग रिपीटेड आ रहे हैं, 2 से 3 लोग ही नहीं आ पा रहे हैं, और जो 2 से 3 लोग आ रहे हैं वो और 2-3 लोगों को लेके आ रहे हैं। तो अभी तो रिस्पांस हमारा खाने का अच्छा रहा है काफ़ी, मतलब लोग यहाँ से स्माइल लेके जा रहे हैं, फूड की क्वालिटी अच्छी आ रही है। या फिर हम इसमें 149 में 15 मेन्यू कोर्स सर्व कर रहे हैं, 15 मेन्यू कोर्स इसमें हमारी 4 वैरायटी आपको मिलने वाली है 149 रुपए में केवल और केवल। 4 इसमें 4 स्टार्टर हैं, 6 मेन कोर्स है, जिसमें से स्टार्टर में नूडल एक तरीके से बस फिक्स है, बाकी अपनी डेली बेसिस पे क्रिस्पी कॉर्न है या फिर चिली पटेटो है या फिर फ्रेंच फ्राइज है, ये वैरायटी चेंज होती है। एक सूप है वो भी डेली बेसिस पे चेंज हो रही है, जैसे स्वीट कॉर्न सूप है, वेज मंचाओ सूप है, पेकिंग सूप है, हॉट एंड सॉर सूप है, ये डेली बेसिस पे इजीली। सो चलिए अभी हम कुछ खाना देखना चाहेंगे और सर्व करना चाहेंगे। बिल्कुल, सो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी प्रिपेयर हो रही है हमारी थाली, जिसमें है नूडल्स। ये कोई लिमिटेड नहीं है, ये आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन उतना जितना आप खा सकें। अब फिर यहाँ से ऐड होता है हमारा मंचूरियन, क्या बात है, फ्रेश मंचूरियन है, और ये हमेशा गर्मा गर्म सर्व किया जाएगा। फिर सूप है ये, कौन सा, पिजिंग सूप, तो ये भी आप इजीली, ये तो आपको मिलना ही है। ये 4 आइटम आपके नहीं, ये 3 वेरिएबल हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं। ये स्वीट कौन सा कॉर्न, क्रिस्पी कॉर्न, ये क्रिस्पी कॉर्न है। सो अभी धीरे से थाली प्रिपेयर हो रही है, इसमें से केवल नूडल्स ही परमानेंट रहेंगे, बाकी तीनों चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो गाइस यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे आपको, फूड को वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट करने पे आपको 100 रुपये का फ़ाइन पड़ जाएगा। शेयरिंग फूड इज़ नॉट अलाउड, मतलब एक लोग लेके 2 लोग नहीं खा सकते, ऐसा अलाउड नहीं है। सो गाइस अभी रेडी हो चुकी है हमारी थाली, तो इसको हम ट्राई करते हैं, और टेस्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में स्पाइसी लग रही है। सो मंचूरियन और नूडल्स शुरू करते हैं और बढ़ते हैं। सो गाइस हमारे लिए स्पेशल तैयार किया गया है ये सैलेड, जो कि डेकोरेट किए हैं। सो चलिए अभी सर्व करेंगे मेन को। तो अभी जा रहा है कढ़ाई पनीर, पनीर की क्वांटिटी भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी नहीं है, जितना चाहें उतना आप ले सकते हैं। यह है दाल मखनी, दाल मखनी, ये है मिक्स वेज, जिसमें आपको हर बफे में आपको पनीर के क्यूब्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको देखेंगे तो थोड़ा बड़े क्यूब भी मिलेंगे आपको पनीर के। सो ये भी यहाँ का प्लस पॉइंट है, 149 में अब जान तो नहीं ले सकते किसी। दाल तड़का, दाल तड़का भी आप ट्राई कर सकते हैं, और ये चेंज होते रहते हैं कुछ कुछ आइटम, आप इनमें कम ज़्यादा कुछ भी आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह के राइस, ये हो गए स्टीम राइस, मटर राइस, प्रीवियस डे इनका था बिरयानी राइस। सो ये दोनों आपकी थाली में सर्व कर दिए जाएंगे, और उसके बाद नान और तंदूरी। मिलकर अच्छा लगा। ये जो भी आप खाना ट्राई करेंगे वो मास्टर शेफ़ का हाथ का ही होगा, जो कि है चॉइस बफे के मेन शेफ़। सो ये खाना जो है ये सब आप ही बनाते हैं? जी मैं ही बनाता हूँ सर। नहीं, आप ही बनाते हैं जी। और उन्होंने अभी डेकोरेट करी है एक थाली, जिसमें सैलेड रखे हुए हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया, वो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अब मसाले कैसे यूज़ करते हैं? मसाले सर कुछ अपने हाथ से बनाते हैं, और कुछ जैसे कढ़ाई पनीर के मसाले सब मेरे हाथ के होते हैं। क्या बात है, कढ़ाई पनीर के मसाले सब हाथ के होते हैं, अगर मसाले सप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मिलकर अच्छा लगा भैया, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। सो गाइज अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो था काफ़ी अच्छा, लेकिन अब ट्राई करते हैं इंटर कोर्स का, जो कि मेन खाना होता है। सो यहाँ पर बटर नान आ चुकी है, और काफ़ी सारी डिशेज यहाँ पर सामने सर्व कर दी जा चुकी हैं, तो चलिए जल्दी से ट्राई करते हैं अब, क्योंकि देख के तो अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। सो शुरू करते हैं, तो आप बताइए क्या ट्राई करें। आप पहले ये ट्राई कीजिए। ये क्या, दाल मखनी। क्या बात है,
कैसा टेस्ट है? काफ़ी अच्छा है। तो चलिए नान के साथ अभी दाल मखनी की बारी आती है, ट्राई करते हैं उसको। कई जगह पर नान जो है होती हैं ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं या फिर ज़्यादा जो है ओवर ऑयल या फिर बटर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाएगा, ना कि ज़्यादा क्रिस्पी हैं बल्कि सॉफ्ट भी हैं। तो चलिए ख़त्म करने के बाद मिलते हैं। सो गाइस, एक बात तो लिटरली समझ में आ गई कि बफे में आपको खाने की काफ़ी सारी वैरायटी होंगी जिसके बाद आपको भूख तो नहीं लगनी है और रिफिलिंग कराने की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। सो मेरा पर्सनल विज़िट ज़रूर करिएगा और साथ में जो है अगर आते हैं तो किसी ना किसी को लेके जाइएगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। 149 रुपीज़ में आपको और ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता, इससे बेहतर नहीं हो सकता कुछ भी। सो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नहीं कुछ बाकी है। चॉइस बफे की टाइमिंग क्या रहेगी? जी मॉर्निंग नहीं, लंच टाइम और डिनर टाइम ही हमारे पास होता है, जो कि 12 बजे दिन से स्टार्ट होता है और रात की 11 बजे तक की होती है। 11 बजे तक रात में? हाँ जी। ओके। इस टाइम में हम ये आसपास की जो वैरायटी है हम यहाँ पे डिलीवरी भी कर देते हैं, तो यहाँ के आसपास के स्माइलगंज की है, पीछे जो हमारे एरिया है, जो आसपास के हैं वहाँ पर आप डिलीवरी भी करते हैं। डिलीवरी का कोई चार्ज रखते हैं? नहीं नहीं, अभी तो कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। क्या बताए, इन फ्यूचर आप चार्ज करेंगे? वो तो बाद में डिपेंड करता है सर जी, अभी तो हम फ्री में कर रहे हैं। चलिए ठीक है भैया, मिलकर बहुत अच्छा लगा और खाना काफ़ी टेस्टी था। थैंक यू सो मच। तो ये चॉइस बफे जो है आपका, ये कहाँ पर लोकेट है? जी पॉलिटेक्निक और कमता के मिड में है, बीच में। ये सुषमा हॉस्पिटल के 200 मीटर और आगे की तरफ कमता की तरफ जो सर्विस वाली लाइन जाती है उस रास्ते पे है। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको गूगल मैप का लिंक मिल जाएगा, जो कि डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं इजीली। आप लोग अपलोड कीजिए, लोगों में सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज पे जितनी हमारी फूड क्वांटिटी है जिस हिसाब से आपको रिलायबिलिटी टोटली मिलेगी कि हमने 300 के रेंज पे अच्छा खासा खाना खाया। एंड फैमिली के साथ भी यहाँ पे विजिट कीजिए, आपको पूरी रिलायबिलिटी मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।